गाजा के बाद लेबनन में युद्ध छिड़ने की आशंका। हिजबुल्ला पर हमले की तैयारी में इजरायली सेना। रूस अमेरिका समेत 9 देशों ने जारी की है एडवाइजरी। अपने नागरिकों को लेबनन तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को लेबनन ना जाने की भी हिदायत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रूस यूएस समेत 9 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल अपने नागरिकों से कहा गया है कि लेबनन ना जाएं। तो कल लेबनन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के 40वें दिन अंतिम शोक सभा हुई और इसके मंच से हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्ला ने इसराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना भी लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेबनन की जंग गाजा से भी भीषण होने वाली है। 9 देशों ने अपने अपने नागरिकों को लेबनन तुरंत छोड़ने की चेतावनी दी है। बेरूत का रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी भी बंद किया जा सकता है। हिजबुल्ला पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने भी इसराइल को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे अरब में एटमी महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। जिस खतरे का अंदेशा बीते 3 हफ्ते से जताया जा रहा था वो पूरे अरब पर मंडराने लगा है। जिस युद्ध की आशंका से अमेरिका चिंतित था वो वास्तविकता बन चुकी है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्ला को मिटाने की शपथ उठा ली है। लेबनान बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा आईडीएफ के सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। 8 देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। बेरूत का रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने वाला है। इस युद्ध की वजह है इसराइल पर हो रहे हमले और हिजबुल्ला पर हो रहे इसराइल के पलटवार। छब्बीस जून की शाम को हिजबुल्ला ने इसराइल के मेतुला पर 4 एंटी टैंक मिसाइल हमले किए। हिजबुल्ला रॉकेट फोर्सेस ने दावा किया कि हमले इजरायली सेना की चौकियों पर किए गए। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और एंटी टैंक मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के मेतुला में आग लग गई। इन हमलों के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के तबाते पर हमले किए। इसराइली वायुसेना और रॉकेट फोर्सेस ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इसराइल ने लेबनान के बिंत जबेल पर रॉकेट हमले किए। इससे बड़े इलाके में आग लग गई। लेबनान से अरब में महासंग्राम तय माना जा रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इसराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान के बॉर्डर पर इसराइल के 1000 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी तैनात हैं। इसराइल लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी हिजबुल्ला को चेतावनी जारी कर दी है कि इसराइल को रोकना मुश्किल है। हिजबुल्ला भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी IRGC ने लेबनान में जो सुरंगें डिजाइन की हैं, उनके वीडियो जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला भी इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। लेबनान में हसन नसरल्ला ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम शोक सभा में हिस्सा लिया। इस शोक सभा के मंच से नसरल्ला ने इसराइल पर हमले का ऐलान कर दिया।
जंग एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो चुकी है। इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इराक रेजिस्टेंस फोर्स इसराइल पर हमले शुरू कर चुकी है। हुती की मिसाइलें लाल सागर से इसराइल के हाइफा पोर्ट तक बरस रही हैं। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि हुती के पास ऐसा हथियार आ चुका है जिसको रोकने की ताकत अमेरिका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम में भी नहीं है। हुती की हादिन 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरी की है और इससे हुती ने इजरायली जहाज पर हमले भी किए हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि हुती ने इस मिसाइल से लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। हुती की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम कहादिम 2 है। यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। हुती का यह दावा है कि इसे उसी की मिलिट्री फैसिलिटीज में डिजाइन किया गया है। हुती ने हादिम 2 से 26 जून को इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया है। इसराइल के इस जहाज का नाम MSC सराफ वी है। यह इसराइल का जहाज है और हमले के वक्त ये लाइबेरिया के एलिए काम कर रहा था और इस पर लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ था। ये उसी इजरायली जहाज की तस्वीरें हैं जिस पर हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हमला उस वक्त किया गया जब यह जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। हमला सटीक रहा और इजरायली जहाज लपटों में घिर गया। इजरायल पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इसराइल पर हमले किए हैं। इराक रेजिस्टेंस ने इसराइल के एलात शहर पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से इसराइल के कई जहाजों को नुकसान होने की रिपोर्ट है। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा से फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हालात संभालने के लिए सेना तैयार है। यह तय माना जा रहा है कि हिजबुल्ला और इसराइल की जंग शुरू होने वाली है, इसीलिए 8 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। नीदरलैंड्स, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएस, कतर, नॉर्वे और डेनमार्क ने कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें। इसराइल को अमेरिका से लेबनान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर और पोतिन की फोन पर बातचीत हुई है। अरब में परमाणु शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। हिजबुल्ला और इसराइल की जंग छिड़ी तो अरब में परमाणु विस्फोट की आशंका कभी भी भयावह सच बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।